क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। अब मैच में वैसे तो सीएसके के खिलाड़ी छाए रहे, लेकिन एक दर्शक ने मैच में जबरदस्त बवाल कर दिया, हंगामा कर दिया। दर्शक छक्के के बाद बॉल लेकर ही फरार हो गया। जी हाँ, ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही हो सकता है और दिल्ली के ही मैदान में ऐसा हुआ। यहाँ सीएसके की बल्लेबाजी चल रही थी और बैट्समैन थे शेन वॉटसन। अब अमित मिश्रा के ओवर की चौथी बॉल पर वॉटसन ने मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट मारा और बॉल सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अब वहाँ एक दर्शक ने एक ही हाथ से बॉल को कैच भी कर लिया, मगर असली बवाल तो इसके बाद शुरू हुआ। वहाँ पर बॉल के लिए लूट मच गई। एक दर्शक ने बॉल को छुपा लिया और बॉल को लेकर भागने लगा। जी हाँ, दर्शकों ने बॉल वापस करने से ही इनकार कर दिया। काफी देर तक मैच रुका रहा, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का जवान भी वहाँ पहुंचा, मगर पुलिस भी उन दर्शकों से वापस बॉल पाने में फेल रही। मजबूर होकर अंपायर ने नई बॉल मंगाई। जी हाँ, यही हुआ था दिल्ली के मैदान में। दर्शक ने बॉल वापस ही नहीं की और फिर दूसरी बॉल मंगाकर खेल शुरू किया गया। तो ऐसा सिर्फ दिल्ली वाले ही कर सकते हैं और कुछ इस अंदाज में। भाई मैच कोई भी जीते, बॉल तो मैं ही लेकर जाऊंगा। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।